Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 6 combustion and flame of your 8th science book. So is chapter mein hum combustion and flame ke bare mein study karenge. Hum apne automobiles mein jo bhi hum gaadiyan chalate hain usme hame fuel ki zarurat hoti hai. Kuch gaadiyan hamari petrol se chalti hain, kuch diesel se chalti hain. But fuel sirf yahi nahi hote. ऐसे भी फ्यूल्स होते हैं जिनको हम अपने घर में कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि काउ डंग है, कोल है और वुड है, नेचुरल गैसेस पर एलपीजी है, ये सब भी जो है फ्यूल में ही आते हैं. सो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है कम्बस्टन. कम्बस्टन क्या होता है? कम्बस्टन वो केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट को प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोसेस कम्बस्टन कहलाता है. इस कम्बस्टन प्रोसेस में जो सब्सटेंस होते हैं उनको कम्बस्टेबल कहते हैं, इनको फ्यूल भी कहते हैं. फ्यूल जो होते हैं वो 3 टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं. सॉलिड में जैसे कि हमारे पास चारकोल या कोल होता है, लिक्विड में पेट्रोल या डीजल होता है और गैस में जैसे हमारे पास सीएनजी या एलपीजी होती हैं. इसमें भी एक टर्म आती है जिसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो लोएस्ट से लोएस्ट मतलब मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर सकता है वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है. सो स्टूडेंट्स, जब भी किसी जगह पर आग लगती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, उसमें हम सैंड का यूज़ करते हैं. किसी जगह पर अगर किसी जगह पर ऑयल से लगी हुई आग होती है तो उसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता, वहाँ पर हम सैंड का या सॉयल का यूज़ करते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर से भी हम आग को बुझाते हैं. तो होता क्या है कि जो भी सब्सटेंस पे आग लगी होती है और अगर हम उसे बुझाना होता है तो हम इन चीज़ों की हेल्प से उसकी आग को बुझाते हैं. ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? एयर को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए सबसे पहले एयर की ज़रूरत होती है. तो ये सभी चीज़ें एयर को उस तक नहीं पहुँचने देती जिसकी वजह से वो आग बुझ जाती है. नेक्स्ट इसमें आता है फ्लेम. फ्लेम क्या होती है? फ्लेम के बारे में तो हम सभी को पता है. जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख भी रहे हो, यहाँ लैम्प है, कैंडल है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जलने के बाद उसमें किसी लाइट ग्लो होती है या उसमें जो लाइट ग्लो होती है और उसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो वो आपकी फ्लेम कहलाती है. नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ फ्यूल. फ्यूल क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेट्रोल, चारकोल, वुड, ये सभी हमारे फ्यूल कहलाते हैं. वो सभी सब्सटेंस जलने पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्यूल कहलाते हैं. इन फ्यूल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनसे हमारे ट्रांसपोर्ट चलते हैं, क्योंकि हमारी बाइक में जो पेट्रोल होता है या गाड़ियों में जो डीजल होता है वो जलता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारी ये सभी ट्रांसपोर्ट चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स जो होते हैं, पोलर ग्लेशियर्स, वो बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं. कोस्टल एरिया में जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और फ्लड भी आ रही है. इससे होता क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है. तो ये सब किस वजह से है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है. इसमें जो गैसेज होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसेज बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ जाती हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है. नेक्स्ट आपकी एसिड रेन होती है. एसिड रेन के बारे में जैसे आपको पता ही है, जब एटमॉस्फेयर में बहुत सी ऐसी गैसेस होती हैं जो मिली होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेस जो होती हैं इन्हीं से क्लाउड्स बने होते हैं. तो ये जब गैसेज होती हैं ये ऊपर आसमान में जाती हैं, क्लाउड्स के साथ मिक्स हो जाती हैं और क्लाउड्स को फॉर्म करती हैं. फिर क्लाउड्स में से क्या होती है? रेन आती है, बारिश होती है. तो ये जो बारिश होती है इनके अंदर इसके जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं ये भी होते हैं, तो ये इसलिए इनको एसिड रेन कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, ये हमें भी डैमेज करती हैं, हमारी स्किन को भी डैमेज करती है अगर हम बाहर जाते हैं तो, और जो दूसरी बिल्डिंग्स होती हैं इनको भी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से चैप्टर 6 समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.